तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धमाल अंकित में। आज हम आपके लिए लेकर आए दोस्तों एक न्यू वीडियो, और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारा पहिया है और ये हमारा चिमटा है दोस्तों। तो प्रॉब्लम क्या रही है कस्टमर को, जो हमारा ये रिम है, ये रिम जैसे हम चलते हैं साइकिल पर बैठते हैं तो इसमें ये टच हो जाता है दोस्तों। ये नॉर्मली अब तो नहीं हो रहा, पर जैसे ही इस पर कस्टमर बैठता है तो ये इससे टच हो जाता है इस तरीके से, जैसे कि हम आपको दिखा रही है दोस्तों। तो इस प्रॉब्लम का ही हम आपको समाधान करके दिखाएंगे दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आती है, उस किस कारण के आती है दोस्तों। तो देख सकते हैं, हमने जैसे ही हल्का सा पुश करा तो ये इसमें टच हो गया दोस्तों। तो कस्टमर क्या कहता है, इस ये जो पहिए में है, पहिए में हमारे चिक आ चुकी है, ये चिक है, इसे आप चिक को निकाल दीजिए। पर ये चिक नहीं होती दोस्तों, ये देख सकते हैं मिट्टी भी अड़ रही है इसमें, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो ये किस कारण के आती है, देख सकते हैं जो हमारा परे का बोल्ट है ये लूज हो चुका है दोस्तों। ये लूजिंग की वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है। मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा हिला के, ये आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें जो है लूजिंग है दोस्तों, ये देख सकते हैं लूजिंग है। लूजिंग की वजह से ही क्या होता है, इसमें जो है ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों दूसरी साइड में मैं आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं दूसरी साइड में लूजिंग नहीं है दोस्तों। तो जिस साइड में दोस्तों लूजिंग होगी, जिस साइड में जो हमारा परे का बोल्ट है वो लूज होगा, उस साइड में ही क्या होगा, हमारा जो है पहिया अड़ना शुरू हो जाएगा चिमटे में। तो इसके कारण की वजह से ही जो हमारा पहिया है चिमटे में अड़ता है। तो इसका सलूशन क्या है दोस्तों, उसके बारे में हमारी ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो 14-15 का आपको पाना ले लेना है दोस्तों। देख सकते हैं 14-15 का पाना है, इससे क्या होगा, आपको ये बोल्ट खोल लेना है दोस्तों। जो एक्सिल पे बोल्ट लगा हुआ है इसे आपको खोल लेना है, और खोलने के बाद आपको चाबी ले लेनी है। चाबी 10-11 की चाबी इसमें लग जाएगी, या टामी ले लेनी है। तो चाबी हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास टामी है, टामी से ही हम इसे ठीक करेंगे दोस्तों। तो देख सकते हैं हमारे पास ये टामी है, इससे ही ये ठीक करेंगे। इस तरीके से आपको टाइट करना है, ये देख सकते हैं पूरा टाइट कर लेना है दोस्तों। पीछे इसमें एक कावला होता है, यदि वे घूम रहा है तो आप पिलास की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। पिलास से आपको जो डिबली होती है इसके अंदर की साइड में, इस तरीके से आपको पकड़नी है, और उस तरीके से इसकी जो लूजिंग है ये पूरी ख़त्म करनी है दोस्तों। पूरा टाइट करना है आपको, थोड़ा समय लग जाए कोई बात नहीं, पर अच्छी तरीके से आपको इसे टाइट करना है। जब आप इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे तो आपकी ये समस्या जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, ये समस्या नहीं आएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं हमने टाइट कर लिया, उसके बाद आपको पहिए का सेंटर कर लेना है। पहिए का सेंटर करने के लिए इसे आपको टाइट करना है। टाइट करके आप देख लीजिए आपका जो रिम है वो ब्रेक में तो नहीं लग रहा, यदि पहिया एक साइड में हो गया है तो आप इसे बीच में सेंटर कर लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों यही वीडियो में हमने आपको समझाने की कोशिश करी, यदि आपको कुछ भी समझ में आया, देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ अगर पहिया एक साइड में नहीं है तो आप इसे एक साइड में कर लीजिए, हमारा एक साइड में है तो हमें नहीं करने की ज़रूरत कुछ भी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा देख सकते हैं दोस्तों, हमारी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है दोस्तों। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।